पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा जताया था, लेकिन उसके बाद जब 2018 में हुए उपचुनाव में एक तरह से देखा जाए तो दलित समाज का भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह थी कि उपचुनाव जितने भी हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें हार गई। अब देखना यह होगा कि आखिरकार 2019 में दलित समाज किस तरह से भरोसा जताएगा या फिर किसी और पार्टी पर भरोसा जताने वाला है। इसी विषय पर आज हमारे साथ में बात करेंगे अमर सिंह सागर जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि दलित समाज की क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मतलब कि आखिरकार क्या स्थिति है दलित समाज की। देखिए, दलित समाज की स्थिति यह है कि मायावती ने गुमराह कर करके, बहन मायावती जी ने गुमराह करके दलितों को अपने साथ कर रखा, क्योंकि बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी दलित चेहरा ऐसा नहीं है जो दलित चेहरे के ऊपर सारा दलित उसके साथ जुड़े। मैं यही कहना चाहता हूं कि दलित चेहरा, एक अच्छा सा दलित चेहरा भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए। बहन मायावती से दलित खुश नहीं है, मगर मजबूरी में दलित उधर जाता है, क्योंकि कोई भी दलित चेहरा, अच्छा दलित चेहरा जो दलितों का हमदर्द हो, दलितों का साथ दे, दिन रात उसके काम में आए, दुख दर्द में उसका साथ दे, ऐसा दलित चेहरा चाहिए जो योजनाएं दलितों के लिए अपने स्तर से वो निकलवा सके, ऐसा दलित चेहरा होना चाहिए। क्या कहें कि ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक दलित चेहरा ऐसा है जो मोहनलालगंज से सांसद माननीय कौशल किशोर जी हैं। वो एक ऐसा दलित चेहरा है कि मैंने ये देखा, कई बार मैं उनके यहाँ गया हूँ निवास स्थान पर, कि सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और 20,000 लोगों की संख्या में लोग आते हैं दिन भर, और रात को 12 बजे तक वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, हर दलित का दुख दर्द समझते हैं। ऐसे ही दलित चेहरे को स्टार प्रचारक के रूप में उनको पेश करना पड़ेगा, तभी दलित समाज उनके साथ जुड़ेगा। और मैं यही पुनः कहता हूं कि दलित समाज के लिए एक दलित नेता के रूप में कौशल किशोर जी से, सांसद मोहनलालगंज जी से कोई भी अच्छा व्यक्ति, दलित नेता नहीं है। जो आज उनके साथ उत्तर प्रदेश में पारक महासंघ चला रहे हैं, और आज उनके साथ उत्तर प्रदेश का करीब 90 लाख व्यक्ति जुड़े हुए हैं, 90 लाख लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, काफी दूर दूर से आते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरे संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति है, कभी कोई बहराइच से आता है, कोई झांसी से आता है, कहीं से भी कोई दलित आता है तो उनकी समस्या को सुनते हैं और समाधान करते हैं, उसका साथ देते हैं, और बड़े निम्न समाज के, साधारण समाज से साधारण तरीके से रहते हैं, कपड़े भी साधारण पहनते हैं। कोई ये नहीं कह सकता ये सांसद है, अगर आप उनको देखेंगे तो वो सांसद नहीं लगते, एक सामान्य व्यक्ति लगते हैं बिल्कुल। ऐसे ही दलित नेता की हमें जरूरत है, ना वो बन ठन के रहते हैं, ना ही उनका पहनावा ऐसा है, घर भी उनका साधारण है, जैसा आज से 25 साल पहले घर था उनका, आज भी वही है। बाकी किसी नेता को देखिए कि 5 साल सरकार रहने के बाद उसके महल बन जाते हैं और इतनी प्रॉपर्टी हो जाती है, उनके पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई खेती है, ना कोई महल है, पुराने घर गाँव में बने हुए हैं, उसी गाँव में वो घर में रहते हैं, उसी में साधारण जिंदगी अपनी जीते हैं, साधारण खाना खाते हैं, मेरे ख्याल 3-2.5 घंटे 3 घंटे वो रात को विश्राम करते होंगे, नहीं तो जनता से घिरे रहते हैं और जहां भी जाते हैं वो जनता उनको घेर लेती है। पूरा दलित समाज आज कौशल किशोर सांसद जी को मानता है अपना नेता, उन्हीं के साथ जुड़ने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी से मैं अनुरोध करता हूं और इस अपना सुझाव देता हूं, निजी मेरा अपना सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय जो भी बड़े नेता हैं, वो दलित समाज का चेहरा यूपी में कौशल किशोर जी को लाए, फिर देखिए 2019 में सारा दलित समाज मायावती से हटकर कौशल किशोर जी के साथ होगा, ये मेरा विश्वास है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो किस तरह की सरकार चल रही है? देखिए, सरकार बहुत सही चल रही है, मगर लोग ये कहते हैं कि हम किससे अपनी बात जाके कहें दलित लोग, क्योंकि कोई भी दलित नेता ऐसा नहीं है जिससे जाके जुड़ सके जनता। तो जो भी समस्याएं दलितों की हैं वो माननीय कौशल किशोर जी के पास जाते हैं, मगर वो जितना उनसे हो सकता है उसके साथ करते हैं, मगर उसके लिए उनको शक्ति भी तो इतनी प्रदान की जाए सरकार की तरफ से कि वो सभी कार्य करा सकें, अपने स्तर से वो जितना कार्य है वो करते हैं। सरकार सही चल रही है, मगर दलितों का जो विकास है, जो कार्य है, जो दलितों के दुख दर्द में काम आने के लिए, कोई भी बड़ा ऐसा लीडर नहीं है उत्तर प्रदेश में जो दलितों की समस्या सुन सके, दलितों को अपने गले लगा सके। तो माननीय, मैं तो यही कहूँगा कि मायावती के विकल्प के रूप में एक हुनरदार, एक गरीबों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा माननीय कौशल किशोर सांसद मोहनलालगंज जी को मायावती के
विकल्प के रूप में उतारा जाए और उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाए स्टार प्रचारक के दलित समाज के लोगों में। क्या स्थिति हुई 2019 की फिर? 2019 में अगर दलित समाज से नेता माननीय कौशल किशोर सांसद मोहनलालगंज को उतारा जाता है तो मायावती का सुफड़ा साफ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 80 में से 65 सीटें हमारी जीत के आएंगी। सारा दलित समाज वो कौशल किशोर जी को अपना नेता मानता है आज की डेट में, उन्हीं को आगे किया जाए, उन्हीं को दलित चेहरा बना के उत्तर प्रदेश में उतारा जाए। अच्छा क्या कहें, क्या यही वजह रही उपचुनाव में भाजपा की हार का? हाँ देखिए यही वजह रही, क्योंकि कोई भी दलित नेता ऐसा कैराना में या नूरपुर में नहीं गया जो दलितों को अपनी तरफ खींच सके, भाजपा की तरफ खींच सके। 2017 में 2014 में पूरा दलित समाज बीजेपी को वोट दिया था, मगर जो दलितों ने विश्वास जीतना चाहिए दलितों का, वो सरकार अभी दलितों का विश्वास नहीं जीत पाई है। इसीलिए मैं फिर पुनः कहता हूँ कि कैराना में अगर एक महीने पहले माननीय कौशल किशोर जी को भेज दिया जाता तो निश्चित रूप से दलित पूरा बीजेपी को वोट देता और मृगना सिंह जी जीतती, मगर उनको सिर्फ 4 दिन पहले ही उनको बुलाया गया। 4 दिन में उन्होंने 26 सभाएं की और करीब 38,000-39,000 वोट दलितों का उन्होंने दिलवाया। तो ये थे हमारे साथ में अमर सिंह सागर जी, जिन्होंने बताया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव क्यों हारी है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस ओर अमर सिंह सागर जी की बात का समर्थन करती है या फिर कोई और निर्णय निकालेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा और 2019 किसके हाथ में हुआ ये भी समय बताएगा। अपने सहयोगी के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।